हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंटरनेट पढ़ाई डॉट कॉम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं यहाँ पे आपको 6 to 12 का सिलेबस करवाऊंगी, और जैसा कि आप सभी को पता है वो सिलेबस मैं आपको कंप्लीट करवा रही हूँ, और यहाँ पे मैं आपको वो पूरा सिलेबस बिल्कुल सीक्वेंस वाइज कवर करवाऊंगी। और अगर आपको पीछे का कोई वीडियो छूट गया या फिर आपने पीछे के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप internetpadhai.com पे उन वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अलावा internetpadhai.com पे आपको पूरा सिलेबस सीक्वेंस वाइज मिल जाएगा। और इसके अलावा जैसे 6 to 12 का सिर्फ यही सब्जेक्ट नहीं, जैसे मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, उन सभी के कंप्लीट कोर्सेज आपको सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, आज हम बायो पढ़ेंगे, और बायो में इम्पोर्टेंट पार्ट जो कि मतलब आपके फाउंडेशन वगैरह में उससे क्वेश्चन बनता है और जैसे पक्का क्वेश्चन पूछा जाता है, उस टॉपिक के बाद हम करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, मैं ये बात आपको हमेशा बोलती हूँ कि 11th जो है ना, क्या बताते हैं, आपका बेसिक पार्ट है फाउंडेशन के लिए। 11th बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, आपकी जो हायर क्लासेस है वहाँ तक पढ़ने के लिए आपको 11th में आपका बेसिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, आपके टॉपिक्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो उनके बारे में हमने पढ़ना है, तो उनमें अगर हम अच्छे से अभी टॉपिक क्लियर करेंगे ना, तो आगे हम कुछ भी पढ़ें, हम फाउंडेशन के प्रिपरेशन करें, हम बोर्ड क्लासेस का आगे पढ़ें, आगे अगर साइंस लेवल का हम कुछ भी पढ़ें, तो उसमें ये जो लेवल आपका है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आपको कोई भी चीज़ रट के नहीं, आपको उस कॉन्सेप्ट समझ के उसका, और तब का आप उसको उस चीज़ को सोल्व करना है, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे बायो के बारे में, और जैसे बायोलॉजी के अंदर इम्पोर्टेंट टॉपिक बहुत सारे हैं, उसमें से एक टॉपिक हम ले रहे हैं, उसके बारे में हमने पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या रहेगा, चैप्टर है हमारा न्यूक्लियस एंड क्रोमोसोम। केंद्रक और गुणसूत्र, ठीक है, ये है हमारे चैप्टर का नाम। इसमें ये जो दोनों वर्ड हमने बोले ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई ना कोई क्वेश्चन आपको यहां से जरूर मिल जाएगा। और अब हम इसमें फर्स्ट टॉपिक लेंगे, मतलब एक उसके बारे में हम कंप्लीट करेंगे, देन हम नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हम क्या पढ़ेंगे, न्यूक्लियस या केंद्रक, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये रहेगा, मतलब आज हमने केंद्रक के बारे में पढ़ना है कि केंद्रक क्या होता है, इसकी खोज किसने करी, मतलब इसके अंदर मेनली हम चीजें क्या क्या पढ़ेंगे, पहले हम वो देखते हैं। देखिए इसमें हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन, ठीक है, इसकी शेप एंड साइज, इसकी स्ट्रक्चर, फंक्शन, ठीक है। मेनली हमने यहां पे केंद्रक के बारे में सारी चीजें पढ़नी है। इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे पहले हम, क्या होता है, किसने खोज करी थी, फिर इसका शेप साइज, मतलब इसकी आकृति कैसी होती है, कितना माप होता है, किस टाइप से, कहाँ कहाँ कितना, जैसे स्पेस है कहीं पे वो कैसा है, वो चीज पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर यानी कि एक्चुअल स्ट्रक्चर का मतलब, मान लीजिए मैं सब स्ट्रक्चर का मतलब समझते हैं, ये पेन है, हमने बोल दिया पेन है, लेकिन इसका अंदर क्या क्या है, इसके अंदर हम क्या क्या डालते हैं, कैसे निब है इसके अंदर, तो ये जो जैसे पेन है होता है, या फिर कोई भी चीज लगा लीजिए, तो आप जैसे पिज्जा खाते हैं आप सब, पिज्जा जो होता है आप खुद देखिए उसकी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, तो उसके अंदर से वेज पिज्जा लगा लीजिए, कुछ भी लगा लीजिए किसी भी टाइप का, तो उसकी स्ट्रक्चर में कि अच्छा इसके अंदर ये डाला हुआ है अलग से, उसका बेस पार्ट अलग है, फिर उसमें चीज डाल, वो क्या है, उसकी स्ट्रक्चर है वो। तो इसी तरीके से हमें न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर पढ़नी है कि इसके अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं, किस किस तरीके से अरेंज होते हैं, क्या क्या उनको हम बोलते हैं, क्योंकि कोई भी चीज है ना, जैसे मान लीजिए इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, वो अकेला कोई पार्ट काम नहीं करता है, वो सारी चीजें उसके मिलके उसके स्ट्रक्चर जो है ना, वो इसीलिए है कि वो उन सबकी हेल्प करते, सारे पार्ट्स अपना अपना काम करते हैं, तब जाके वो एक स्पेशल ऑर्गन काम कर पाता है, ठीक है। हमारा हाथ है गर्म चाय पे लगा है, वहां से हट पाता है, तो उसके पीछे भी बहुत सारे ऑर्गन काम करते हैं। हमारा हैंड है
यहाँ पे फिर सेंसरी नर्व्स हैं, फिर सारे नर्व्स जुड़ते जुड़ते ब्रेन तक और फिर ब्रेन से वापस मोटर नर्व, तो सारे सिग्नल्स, तो वो चीजें क्या है, एक ऑर्गन काम कर रहा है तो उसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं, और इसी तरीके से इस बॉडी के सारे पार्ट्स एक एक ऑर्गन मिलकर काम करते हैं, तब जाके पूरी बॉडी के फंक्शंस क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। तो इसी तरीके से सारे पार्ट्स पढ़ेंगे, उनकी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उनकी प्रेजेंस पढ़ेंगे, उनको क्या बोलते हैं, देन हम पढ़ेंगे क्या उसके फंक्शन की, न्यूक्लियस जो है उसके क्या काम होते हैं, वो एक्चुअल में काम क्या करता है, ठीक है, तो उसके बारे में हमने पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बारी बारी से देखेंगे। पहले हम ले रहे हैं इसका इंट्रोडक्शन कि मतलब इसकी खोज किसने करी, कब बताया गया इसके बारे में, किसने इसको क्या नाम दिया, जब स्टार्टिंग में इसको खोजा गया तब क्या सिचुएशन थी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले हम पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन। ठीक है, केंद्र का परिचय या फिर इसके जनरल इंफॉर्मेशन जो है वो हम देखेंगे पहले न्यूक्लियस की, कि ये क्या होता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो एक बात मैं बताऊं आपको, जैसे न्यूक्लियस या केंद्रक इसके नाम की अगर बात करें तो कहीं पे तो आपको मिल जाएगा ये न्यूक्लियस, कहीं पे आपको ये कैरियन भी मिल सकता है, कहीं पे ये आपको केंद्रक भी मिल सकता है, एक ही बात है। ठीक है, तो यहां से ये तो फर्स्ट चीज क्लियर हो गई, क्या किसका नाम आपको कहीं पे कैरियन दे दे या फिर केंद्रक दे दे तो आप इसलिए बता सकते हैं, या फिर न्यूक्लियस, एक ही बात है। अब बात आती है नेक्स्ट कि केंद्रक हमने बोला ये कहां से लिया हमने, कहां से लिया हमने, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका, कोशिका का। ठीक है, कोशिका जो होती है उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, और अगर यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो उसका क्या है, सेंट्रल पार्ट है। ठीक है, सेंट्रल पार्ट है, कंट्रोलिंग पार्ट है। ओके, आरएनए समझिए मैं क्या कह रही हूं, ये कोशिका का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आपको पता है आप जैसे 8th to 9th क्लास से आपका इसका जो स्ट्रक्चर है ना वो स्टार्ट हो जाता है, तो वो चीज आपने भी पढ़ी है कि जैसे कोशिका है, कोशिका के अंदर आपका आ चुकी है ये चीजें 8th क्लास से आपका पूरा, मतलब प्लांट सेल, एनिमल सेल, उनके स्ट्रक्चर, वो चीजें आप पढ़ चुके हैं। देन उसके बाद भी इसका बिल्कुल ब्रीफली भी जैसे एक तरीके से अगर हम देखें तो वो चीज आई हुई है इनकी। अभी क्या आप ये चीज भी जानते हैं कि 11th का मैंने बताया ना कि बिल्कुल हाई लेवल स्टार्ट होता है इस पे जाके, तो अब इसके अंदर क्या देखना है हमें कि सेल वो जो बोला ना हमने, अभी तक तो हमने सिर्फ क्या पढ़ा है कि सेल होती है उसके अंदर ऐसे ऐसे ऑर्गन्स होते हैं बस, अब उन ऑर्गन्स के बारे में पढ़ना है कि वो जो ऑर्गन्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, कैसे काम करते हैं, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एक्चुअल में उनकी स्ट्रक्चर क्या होती है, उनका फंक्शन क्या होता है। ठीक है, वो सब चीजें पढ़ेंगे। इतना अभी मैंने जो समझाया आपको आ गया समझ में, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मुझे भी पता चले कि आपको समझ में आ गया है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लगता है, और हमारे इस क्वालिटी एजुकेशन के इनिशिएटिव को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए आप वीडियोज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा और जितना जल्दी आप वीडियोज को लाइक करोगे, शेयर करोगे, उतनी ही जल्दी हमारे एक्सपर्ट की टीम आपको बाकी सभी सब्जेक्ट भी जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करवाएगी। बट उसके लिए आपको पहले वीडियोज को लाइक करना होगा, शेयर करना होगा, ताकि उतनी ही जल्दी आप सभी सब्जेक्ट को फॉलो कर सकोगे। सो आप व्हाट्सएप और फेसबुक पर वीडियोज को शेयर कीजिए। देखिए हम पढ़ रहे हैं जनरल इंफॉर्मेशन किसकी, न्यूक्लियस की, केंद्रक की, कैरियन की, एक ही बात है। ओके, देखिए ये बात आई समझ में कि कोशिका के अंदर प्रेजेंट होता है, कोशिका का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इंपॉर्टेंट ऑर्गन है ये कोशिका का। ठीक है, और उसका कंट्रोलिंग पार्ट है, उसका सेंट्रल पार्ट है अगर यूकैरियोटिक कोशिकाओं की बात करें तो। दूसरी चीज यहाँ पे क्या आती है, इसकी अगर हम खोज की बात करें कि केंद्रक की जो खोज है वो किसने करी। ठीक है, इसकी खोज करी थी, देखिए नाम इसका कैसा था, कोशिका की खोज का आपको बताया था कि कोशिका का सबसे पहला जिसे उसको देखा बताया किसने, रॉबर्ट हुक ने, ये बात बता चुके हैं ना आपको, पहले क्लासेस में आप पढ़ भी चुके हैं कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने करी, तो उसी के नाम से रिलेटेड है इसका नाम भी कि इनकी खोज जिन्होंने करी ना उनका क्या नाम है, रॉबर्ट ब्राउन। केंद्रक की खोज किसने करी थी, रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी।
ठीक है। और कोशिका की खोज किसने करी थी? रॉबर्ट हुक ने करी थी। कंफ्यूज नहीं होगा ना यहाँ पे इस चीज को लेके। अब देखिए, रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज करी और किसमें करी, कहाँ पे करी, किसके अंदर करी, क्या नाम देखो क्या आपको पता है? स्टार्टिंग में जब ये जब खोज वगैरह की गई थी तब पता है क्या सबके नाम कुछ अलग अलग रखे गए थे। देन बाद में जैसे जैसे कुछ और से एक्सपेरिमेंट्स किए गए या फिर बाद में उसके नाम चेंज कर दिए गए थे, ठीक है। जैसे अगर हम इसकी बात करें कि इसकी खोज जब की गई तो वो किसमें की गई, वो की गई थी आर्किड जो प्लांट्स होते हैं उन आर्किड पादप की रूट सेल्स में की गई थी, ठीक है। किसके अंदर बताया? जड़ की कोशिकाओं में की गई थी, वो भी किसकी? आर्किड पादप की, ठीक है। जो आर्किड प्लांट होता है उसकी मूल कोशिकाएं जड़ कोशिकाएं एक बात होती है उसमें की गई थी और इसको नाम क्या दिया था? एरियोला, ठीक है। क्या बोला गया था? एरियोला, ये नाम दिया गया था इनको, एरियोला नाम दिया गया था। अब दूसरी चीज यहाँ पे क्या आती है कि ये नाम दिया गया लेकिन बाद में क्या हुआ कि ये जो गोलाकार संरचना थी उसको क्या बोला गया? न्यूक्लियस कहा गया, उसको केंद्रक कहा गया। किसकी बात कर रहे हैं हम? न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं कि बाद में जो गोलाकार संरचना थी उसको क्या बोला गया? न्यूक्लियस बोला गया या फिर कैरियन बोला गया। दूसरी चीज आती है क्या, देखिए इधर लिखते हैं कैरियोलॉजी। एक चीज आप भी जानते हैं कि लॉजी वर्ड आ गया आपको नाइन्थ से, बिल्कुल आपका बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन अच्छे से पढ़ाया हुआ है। उस टाइम का बताया था बिल्कुल कि बायोलॉजी वर्ड है बायोस और लोगों से मिलकर बने, इसका मतलब क्या होता है? जीवों का अध्ययन करना, ठीक है। तो लॉजी वर्ड का तो मतलब क्या हो गया? अध्ययन करना। और ये कैरियन वर्ड किससे है? केंद्रक से रिलेटेड है, कैरियो वर्ड कैरियन से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, किसके बारे में हम पढ़ेंगे? यहाँ पे हम यहाँ पे पढ़ेंगे केंद्रक का अध्ययन, क्या कहलाता है? कैरियोलॉजी कहलाता है। यानी कि अगर हम इसको डेफिनेशन देना चाहें तो हम ऐसे देंगे कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम केंद्रक के बारे में पढ़ते हैं, केंद्रक का अध्ययन करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? कैरियोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। अभी तक डाउट नहीं है ना कोई इस चीज को लेके जो मैंने अभी तक आपको समझाया है? हो गया इतना कि क्या बोलते हैं? कैरियोलॉजी किसको बोलेंगे? ऐसा विज्ञान जिसमें हम केंद्रक के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज क्या, साइटोलॉजी किसको बोलते हैं पता है? साइटोलॉजी, साइटोन वर्ड कोशिका से रिलेटेड है, कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी बोलते हैं। तो ये कुछ ऐसे एक तरीके से लगा लीजिए कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिनके बारे में बहुत बार पूछ लिया जाता है कि इसके अंदर किसका अध्ययन किया जाता है, या फिर उस वर्ड को देखे पूछे कि इसमें किसके बारे में पढ़ा जाता है, डायरेक्टली वो वर्ड दे देर फिर पूछे कि इसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कैरियोलॉजी दे दे पूछे आपसे इसमें क्या पढ़ते हैं, या फिर डायरेक्टली ऐसे पूछे कि कोशिका का अध्ययन किस विज्ञान में किया जाता है, या कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को कहते क्या है, ठीक है। तो ये जो वर्ड्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनका आपको ध्यान रखना है। तो ये तो बात हो गई क्या, जैसे इसका जनरल इन्फॉर्मेशन थी, बाकी के इसके अंदर वो और भी बहुत सारी प्रोसेस होती है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। अब कितना ये जो पार्ट मैंने पढ़ाया है ना आपको एक बार मैं इसका रिवाइज करवा देती हूँ। देखिए सबसे पहले केंद्रक है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, न्यूक्लियस कहते हैं, न्यूक्लियस या कैरियन या केंद्रक, ठीक है। खोज करी रॉबर्ट ब्राउन ने, किसमें करी? आर्किड पादप की रूट सेल में करी। नाम क्या दिया? एरियोला दिया। बाद में इस गोलाकार संरचना को क्या नाम दिया गया? न्यूक्लियस या कैरियन बोला गया। और ऐसा विज्ञान जिसमें हम कैरियन के बारे में पढ़ते हैं क्या कहलाता है? कैरियोलॉजी कहलाता है, ठीक है। कोशिका का इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसका सेंट्रल पार्ट है, कंट्रोलिंग पार्ट है, इसीलिए इसके बारे में हम बिल्कुल अलग से पढ़ेंगे, सारी चीजें पढ़ेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि ये इतना आपको समझ में आ गया होगा, इसको रिवाइज कीजिए अच्छे से, बाकी काम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब बात आती है आपके आज के क्वेश्चन की, तो आपका जो आज का क्वेश्चन है ना वो इसी केंद्रक से रिलेटेड है। आपको ये बताना है कि जैसे जो एक केंद्रक जैसे हमने बोला प्रेजेंट है यहाँ पे, आपको पता है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है ना उनके अंदर केंद्रक की क्या पोजीशन होती है? आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है इस क्वेश्चन का आंसर कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में कंडीशन क्या होती है इस न्यूक्लियस की, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा।
अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया, आपको वीडियोस पसंद आया, तो आप वीडियो को लाइक करके बताइए कि आपको समझ में आ गया है। और अगर कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ पे आपके हर क्वेश्चन का रिप्लाई दिया जाएगा। और यहाँ मैं आपको 6 to 12 का कम्प्लीट सिलेबस करवाऊँगी। और इसके अलावा सिर्फ यही नहीं, आपको 6 to 12 के सभी क्लासेस के सभी कोर्सेज, सभी सब्जेक्ट के, वो आपको सीक्वेंस वाइज प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे internetpadhai.com पे। इसलिए ना तो आपको कोई टॉपिक सर्च करने की ज़रूरत है, ना आपको कोई दूसरा ट्यूशन क्लासेस जाने की ज़रूरत है, ना पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत है। पर इसके लिए आपको हम कंप्लीट मैटर दे रहे हैं, लेकिन आपको वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना होगा, शेयर करना होगा। क्योंकि जितना ज़्यादा आप वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, हमारे एक्सपर्ट की टीम उतनी ही जल्दी आपके सभी क्लासेस के अदर सभी सब्जेक्ट उनके कंप्लीट कोर्सेज आपको प्रोवाइड करवाएगी, वो भी सीक्वेंस वाइज। और आपको पूरा मैटर जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश की जाएगी, वो आपको internetpadhai.com पे पूरा मैटर प्रोवाइड करवाएंगे। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलते रहें, चैप्टर टू चैप्टर आपको कंप्लीट सिलेबस मिलता रहे।